राम मंदिर पर पायलट ने क्या कह डाला, केंद्र सरकार को भी जमकर सुनाया, सचिन पायलट ने जनता के हक में कैसी बात कही। बाईस जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस भव्य आयोजन के लिए देश भर के गणमान्य लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। जाहिर है राजनीति से जुड़े लोगों को भी ये न्योता भेजा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी को तो न्योता मिला है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि उन्हें न्योता मिला है या नहीं, इस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर वार कर दिया है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करे तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूँ। सचिन पायलट का कहना पूरी तरह से वाजिब है, क्योंकि राम मंदिर या फिर किसी भी धर्म को लेकर राजनीति करना पूरी तरह से गलत है। वहीं किसी की भी भक्ति राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिलने या फिर उसके ना मिलने से तय नहीं होती है। साथ ही ये भी पूरी तरह से सही है कि किसी को भी भक्ति करनी है तो उसके लिए किसी खास मौके की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ये गलत जरूर है कि किसी एक आयोजन को खास बनाकर सरकार पूरी तरह से खुद को और सबको उसी काम में लगा दे, क्योंकि जब आप सरकार बनते हैं तो आपके पास जनता के काम, उनके मुद्दे का पहाड़ सा होता है, जिसको सॉल्व करना सरकार का न केवल काम होता है बल्कि उसके प्रति जवाबदेह भी केवल सरकार ही होती है। ऐसे में सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि पूरे देश का भला हो सके, क्योंकि राम भक्त तो जहाँ भी हैं वहाँ से ही वो भक्ति कर लेंगे और राम के प्रति अपनी आस्था तो जगा ही लेंगे और राम का आशीर्वाद भी पालेंगे। इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।